दिल्ली के आजादपुर मंडी के दो गेट पर सैनिटाइजर टनल लगाई गई है। मंडी में आने वाला हर शख्स इस टनल से होकर गुजरेगा और टनल से सोडियम हाइपोक्लोराइड की फुहार निकलेगी जिससे पूरा जिस्म सैनिटाइज हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। आजादपुर फल और सब्जी मंडी में इस तरह के जो टनल्स हैं वो लगाए गए हैं जिससे जब भी कोई यहाँ से गुजरेगा तो वो सैनिटाइज हो जाएगा। जब भी आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लिया जाएगा। सर क्या आप टेम्परेचर ले रहे हैं सब लोगों का? जी हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, अगर 99 है तो हम उन्हें बाहर कर देंगे। उन्हें सलाह देंगे डॉक्टर से जाँच कराएं, जो कि डॉक्टर से जाँच कराने के बाद जो क्लियर होगा जो चेक रहे हैं, जो 99 से नीचे जो भी है उनको एंट्री दे रहे हैं। तो जब हम जाएंगे तो उससे पहले आप हमारा टेम्परेचर यहाँ पर लेंगे? मशीन में जाने से पहले हम टेम्परेचर को चेक करेंगे। जो सैनिटाइजिंग टनल है ये बनाया गया है और इस टनल से जब आप बाहर निकलेंगे इस तरह से तो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे और यहाँ पर इस टनल के ज़रिए लोग निकल रहे हैं और सैनिटाइज लोग हो जाते हैं जब इस टनल से गुजरते हैं। तो ये जो टनल है ये फल मंडी और सब्जी मंडी दोनों में लगाया गया है और यहाँ पर आप ये देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो इस टनल से गुजर रहे हैं, क्योंकि मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। यहाँ पर जो वायरस के फैलने का चांस होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त हमारे साथ मंडी के भी कुछ लोग हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर फल और सब्जी मंडी में ये जो टनल लगाया गया है आपको लगता है इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, वायरस जो है उसके फैलने की संभावना कम हो जाएगी? इस वक्त तो मैडम जो ये इन्होंने लगाया है, दिल्ली सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आजादपुर मंडी में पूरी दिल्ली से बहुत सारी पब्लिक आती है, उसकी सेफ्टी के लिए अगर सैनिटाइज होकर आदमी आएगा तो खतरा कम से कम हो जाएगा। तो हम इसके लिए तो दिल्ली सरकार का, हमारे APMC के चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आजादपुर मंडी में अमूमन कितनी भीड़ आती है फल मंडी और सब्जी मंडी अगर दोनों को मिला दिया जाए? मैडम अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो यहाँ पर 50,000 से लेकर 1,00,000 आदमी दिन में आता है। आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कम आ रहे हैं तो लगभग 20,000 से लेकर 30,000 आदमी इस वक्त आजादपुर मंडी में डेली आता है। तो अपने 20,000 से 30,000 लोग आते हैं तो उनके लिए एक अच्छा जरिया है कि जब आप उन्हें सैनिटाइज कर सकते हैं इस तरह? ये तो बहुत बढ़िया करा दिल्ली सरकार ने, दो अभी लगा दिए हैं इन्होंने, जो कल मंत्री साहब ने बताया कि ये दो हमने ट्रायल बेस पे लगाए हैं, एक दो दिन इनको मॉनिटरिंग करके दिल्ली मंडी में जितने भी गेट हैं सब पर लगा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन हम सब मंडी वालों को दिया है। तो सर मंडी के जो लोग हैं वो भी इससे बेहद खुश हैं क्योंकि एक अच्छी पहल है। मंडी में हजारों लोग अभी भी आते हैं हर रोज की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए, तो उनकी सेहत के लिए एक अच्छा कदम है। ये एक कदम उठाया, अच्छा कदम है, लेकिन अभी और ज्यादा यहाँ पर काफी कुछ करने की गुंजाइश है, क्योंकि कितना भी हो मंडी में अभी सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई लोग आते हैं और एक एक गाड़ी में कई लोग इकट्ठे जब दूर से आते हैं तो एक ही गाड़ी में 10-10, 15-15 लोग भी आ रहे हैं, तो उनको भी रोकना जरूरी है। और अंदर हम लोग अपने लेवल पे जो आता है उसको मास्क बांट रहे हैं, उनको सैनिटाइजर दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मंडी है अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है, और अगर टाइम रहते ना किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। आजमीन के लिए डिसइनफेक्टेड टनल बनाई है, वहीं अब पुलिस एहलकार और उनके कुनबे के लिए सूरजपुर में बने पुलिस लाइन में डिसइनफेक्टेड टनल की शुरुआत की गई है। इस टनल की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने की है, उनके साथ पुलिस के कई अफसरान और मुलाजमीन मौजूद रहे। एक्टिव ड्यूटी पे लेकिन वो अलग अलग थानों में है। यहाँ पे हमारे पास लगभग 500 फैमिलीज हैं जो रहती हैं, जिनके परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे है, तो उन सभी को इस हाइजीन प्रोटोकॉल के बारे में एक इंटेंसिव ट्रेनिंग शुरू से दी गई है। हमारे अपने पुलिस फोर्स में भी डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर इंचार्ज हैं DCP क्राइम डॉक्टर मीनाक्षी, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने पुलिस लाइन पे, थानों पे, सभी जगह इस हाइजीन के बारे में लोगों को सेंसिटाइज किया गया है। प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिए थे और अब ये आज जो टनल लगाई गई है इसके माध्यम से भी, जहाँ हमारा फुटफॉल अधिक है, जहाँ से ड्यूटीज़ के लिए लोग अधिक संख्या में निकलते हैं, उनकी हाइजीन के लिए ये लगाया जा रहा है।